मैनेजिंग डेटाबेस इन माई एसक्यूएल, ये हमारा टॉपिक है। एसक्यूएल के अंदर और यूज करते हैं माई एसक्यूएल को हम डेटाबेस को किस तरह मैनेज करते हैं। इसके लिए एसक्यूएल के अंदर तो सेम कमांड है कि आपने यहाँ पर अगर आप सपोज लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, आगे व्हाट एवर जो भी कोई भी टाइम दे दे आपसे, ठीक है। अगर मैं इसकी भी एग्जीक्यूट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ये इसकी एक सिंपल कमांड है। इसी तरीके से अगर आपने रिमूव करनी है डेटाबेस तो आप ड्रॉप डेटाबेस, ये साथ में हेल्पिंग वर्ड भी प्रोवाइड कर रहा होता है, और आगे वट एवर जो भी डेटाबेस का नाम देंगे आप उसे उसमें, तो वो डेटाबेस डिलीट कर देगा। उसके अलावा इस विजुअल इंटरफेस के अंदर, पीएचपी माई एडमिन के अंदर, ये काफी इजी काम है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटाबेस की लिस्ट आ रही है, जिसे आप किसी भी डेटाबेस को जाने यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। विजुअल में भी मैं जैसे इसे क्लिक करता हूँ या डेटाबेस को क्लिक करता हूँ, जैसे मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक इंटरफेस आ जाता है पीएचपी एडमिन के साथ। ये देखिए यहाँ पर ये सारी डेटाबेस को मैं एक या दो या मल्टीपल डेटाबेस इकट्ठी भी रिमूव कर सकता हूँ। इसे क्लिक करके उसे आप ड्रॉप कर दें, या आप नई डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो उसे आप यहाँ पे ऊपर, आप यहाँ डेटाबेस का नाम दें, ABCDE वॉट एवर जो भी दे दिया आप नाम, यहाँ से इसका करेक्टर सेट चूज करें और यहाँ पे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ये आगे उसने इनिशिएट भी कर दिया। फर्दर आप इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करें, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं।